हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 GBSE की SS की लेसन नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम। अब वो ड्रेनेज सिस्टम इज़ यूज फॉर द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ द रिवर। जो ड्रेनेज सिस्टम वर्ड है वो जनरली रिवर की एक जो सिस्टमेटिक पैटर्न है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब रिवर बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे से मूव करती है, जैसे कि नीचे आपको अलग अलग लाइन दिखाई दे रही है ग्राफ के अंदर, जो वाटर डिवाइडर करके 15.1 का जो फिगर बताया है उसके अंदर। वाइल ऑब्जर्विंग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इट इज सीन दैट वन मेन रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द मर्ज इनटू द सिंगल रिवर। जब हम लोग इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में देखते हैं, तो इसके अंदर जो एक रिवर होती है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के अंदर डिवाइड होती है अलग अलग डायरेक्शन में, और कभी कभी क्या होता है कि सारी सिर्फ एक सिंगल रिवर के अंदर मर्ज होती है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एम्प्टाइड इन टू द वाटर रिजर्वियर सी और द डेजर्ट। और ये जो पूरी नदी होती है वो इकट्ठा होकर पानी जमा कर या तो किसी वाटर रिजर्वियर में जाके मिलती है या फिर सी या फिर किसी डेजर्ट के अंदर। वेन अ रिवर फ्लो थ्रू इट्स सिस्टम इन एन एनी एरिया इट्स कॉल्ड द रिवर बेसिन। जब ये जो रिवर है वो किसी पर्टिकुलरली एरिया में जाके फ्लो हो जाए तो उसको रिवर बेसिन बोलते हैं। When a mountain or the upland separated the flow of a water from the one another is called the water divider। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे माउंटेन या फिर किसी अपलैंड की वजह से, अब ऊपर देख लो बीच में वाटर डिवाइडर 15.1 में लिखा है, तो सपोज टू बी वो माउंटेन है। इस हिसाब से जब रिवर का जो वाटर है वो ऐसे डिवाइड हो जाए, फ्लो डिफरेंट अनदर वे में डिफरेंटली ऐसे कैटेगराइज हो जाए स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, या फिर ऐसा शेप बन जाए जिसकी वजह से दो स्ट्रीम अलग अलग हो जाए, इसको वाटर डिवाइडर बोलते हैं। लाइक टू नो में देखते हैं, रिवर अमेजोन जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है और इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा है, ये हमें पता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो हिमालय रिवर एंड द पेनिनसुला रिवर। जो रिवर है इंडिया की उसको दो जोन के अकॉर्डिंग, हमारे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से दो जोन में डिवाइड किया जाता है। ड्यू टू दिस लास्ट डिफरेंस इज सीन अमंग द हिमालय एंड द पेनिनसुला रिवर। सो हिमालय और पेनिनसुला रिवर के अंदर बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालय का जो रिवर का पानी होता है आपको पूरे थ्रू आउट दी ईयर में पूरे दिन पूरे टाइम पानी दिखेगा ही दिखेगा। हालांकि ऐसी जो रिवर होती है उसको पेरिनियल, दिस आर द पेरिनियल रिवर बिकॉज ऑफ द इंटेंस इंडियन वाटर वॉल्यूम ड्यू टू द हैवी रेन ड्यूरिंग द मानसून एंड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ अ स्नो ड्यूरिंग द समर। जो ये टाइप की रिवर होती है वो पेरिनियल रिवर कहलाती है, क्योंकि जो उसका जो वाटर वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली हैवी रेन की वजह से उसका पानी बढ़ता रहता है, और समर के टाइम में बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी आता रहता है। टू मेजर रिवर ऑफ द हिमालय इज सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालय की दो मेन रिवर के बारे में बात करें तो वो है सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, जो माउंटेन सिस्टम्स के नदन पार्ट से ओरिजिनेट होती है। दिस रिवर हैव कट डीप गॉर्ज बाय द कटिंग द माउंटेन। और ये जो रिवर होती है वो डीप गॉर्ज क्रिएट करती है जब वो कटिंग माउंटेन से गुजरती है, तो ठीक है। एंड हिमालय रिवर क्रॉस द लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टू द सी। देखने जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेज ऑफ रिवर बताया हुआ है, कहाँ से वो बॉर्न होती है और कहाँ जाके वो मिक्स होती है, ओशन के अंदर जाती है, तो उसकी जर्नी कितनी लंबी होती है इसके बारे में बताया हुआ है। थ्री स्टेजेस ऑफ द रिवर सिस्टम देखेंगे, थ्री स्टेजेस उस हिसाब से है, अपर कोर्स मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। व्हेन अ रिवर स्टार्टेड फ्रॉम द माउंटेन रीजन इट कॉज अ इंटेंस इरोजन। जब माउंटेन रीजन से जब रिवर स्टार्ट होती है तो बहुत ही ज़्यादा आजू बाजू जगह को इरोड करके खुरेड के आगे बढ़ती है। इट कैरी अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ अ सैंड सेडिमेंटेशन अलॉन्ग विद इट। सो उसके साथ बहुत ज़्यादा सैंड आती है, सेडिमेंटेशन उसके साथ आता है। इट्स स्लो डिक्रीज इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स। उसके अंदर जो मिडल और जो लोअर कोर्स होता है ना, वो उसका फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। मीएंडर आर सीन हीयर, ऐसा zigzag जैसा लाइन, ऐसा वेवी जैसा लाइन क्रिएट होना शुरू हो जाता है और मीएंडर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको मीएंडर बोलते हैं। जैसे सांप जैसा स्विल्डिंग काइंड ऑफ जो शेप होता है, सांप कैसे मूव करता है उसको ऐसा शेप बन जाता है, उसको मीएंडर बोलेंगे। ड्यू टू दिस मीएंडरिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स अ लेक इज फॉर्म इन द शेप ऑफ द एनिमल हूफ। और ये जो मीएंडरिंग बनेगा और जो फ्लड का इम्पैक्ट होगा, मतलब बारी बारी जो फ्लड आएगा, जो लेक फॉर्म होगा उसका शेप जो होगा वो एनिमल के पंजे की तरह होगा। नियर इट्स बेल्ट अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू द मैनी ट्रिब्यूटरी। रिवर जो होगी वो बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रिब्यूटरी में डिवाइड होगी। दिस डिवाइड एरिया टर्न इनटू द वेरी फर्टाइल प्लेन्स इन द ट्राइंगुलर शेप, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा।
और जो पूरा एरिया है वो ट्राइंगुलर शेप में बन जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, इसीलिए उसको डेल्टा भी बोलेंगे। पेनिनसुला रिवर आर द सीजनल बिकॉज देर आर डिपेंडेंट ऑन द रेन वाटर। हालांकि अब पेनिनसुला रिवर के बारे में बात करेंगे तो ये पेनिनसुला रिवर जो होती है वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। ड्राई सीजन्स के अंदर पानी कम हो जाता है या फिर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। अगर हम लोग हिमालय रिवर के साथ पेनिनसुला रिवर को कंपेयर करें तो उनकी लेंथ भी कम होती है और वो थोड़ी शैलो होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती है। ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप ऑफ अ माउंटेन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट। फिजियोग्राफी और माउंटेन के स्लोप की वजह से जो वेस्टर्न घाट्स की जगह पे अगर आप देखने जाओ तो वहीं से पेनिनसुला रिवर का ओरिजिनेट होता है, वहीं से वो ग्रो होती है, वहीं से वो निकलती है एंड फिर वो ईस्टर्न वर्ड जाती है एंड फिर बे ऑफ बंगाल को जाके मिल लेती है। वेस्टर्न घाट सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुला रिवर। वेस्टर्न घाट जो ये ऐसी पेनिनसुला रिवर है उसके लिए मेन डिवाइडिंग का, वाटर डिवाइडिंग का काम करता है। हम लोगों ने आगे देखा वाटर डिवाइडिंग मीन्स एक सच काइंड ऑफ अ माउंटेन जो रिवर के पानी को दो हिस्सों में बांट ले। लाइक टू नो देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ द रिवर पैटर्न। रिवर पैटर्न की अरेंजमेंट क्या है? रिवर सिस्टम ऑफ अ मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज सीन एज फॉलो। रिवर सिस्टम की जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है वो नीचे दी हुई है। एक तो है डेंड्रिटिक पैटर्न। When the arrangement of the river and the tributary make the shape of branches of the tree, जब tree की branches कैसे निकलती है उस हिसाब का शेप दे, एक river में से जो उसकी tributary निकल रही है उसका, तो उसको dendritic pattern बोलेंगे, जैसे कि गंगा। Next बात करते हैं trellis pattern। Stream starting from the mountain region meet one another due to the slopes। जो streams होगी वो एक दूसरे को touch हो जाएगी क्योंकि slope आ रहा है and they make a net like a shape और उसकी वजह से net जैसा shape हो जाएगा उसकी tributaries का river की। So उसको बोलेंगे trellis patterns जो main हिमालय region में देखने को मिलती है। Next देखेंगे rectangular pattern। When the river, main river and the tributary meet at the right angle, जब river और उसकी tributary एक दूसरे को right angle में touch हो तो उसकी वजह से rectangular pattern form होती है and mostly river flowing from the rift valley from such a river system। जब जो river है वो rift valley से गुजरती है तो generally ऐसी shape create करती है, जैसे कि नर्मदा। radial pattern देखेंगे। When stream flow out in all the direction from the mountain, जब माउंटेन में से जब पानी निकलता है, रिवर निकलती है, तो वो हर डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसकी वजह से सर्कल जैसा पैटर्न होता है एंड दिस टाइप ऑफ अ रिवर सिस्टम इज फॉर्म, जिसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। जनरली सौराष्ट्र रिवर के अंदर ये रेडियल पैटर्न देखने को मिलती है। नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है उसका यहाँ पे एक छोटा सा मैप में ड्रॉ करके बताया हुआ है कि कहाँ से कौन सी नदी गुजरती है। हिमालय रिवर देखते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर ओरिजिनेटेड इन हिमालय। हिमालय में से सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी मेन रिवर ओरिजिनेट होती है और ये जो रिवर होती है वो लंबी होती है और उसकी ट्रिब्यूटरी एक दूसरे को मिलती है। वेन लार्ज रिवर एंड हर मैनी ट्रिब्यूटरीज में दे फॉर्म अ शेप एंड विच कॉल द सिस्टम। और ये बहुत सारी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, अपने ही ट्रिब्यूटरीज को वापस आगे जाके मिलती है और एक शेप फॉर्म करती है तो उसको सिस्टम बोलते हैं। सिंधु रिवर सिस्टम देखेंगे। रिवर सिंधु इमर्ज फ्रॉम द नियर द मानसरोवर द टिबेट। जो सिंधु रिवर है वो अपनी जो ट्रिब्यूटरीज है उसको मानसरोवर टिबेट के अंदर जगह है मानसरोवर वहाँ पे जाके मिलती है। फर्स्ट इट्स फ्लो टू द नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो होती है, फिर वेस्टवर्ड जाती है, फिर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाती है। इट फॉर्म अ मैनी इननेसेसरी गॉर्ज और बहुत सारे गॉर्ज क्रिएट करती है। रिवर जास्कर, नुबारा, शेओक, खुजा, मीठर और ये सारी रिवर उसे आके मिलती है। सतलुज, बियास, रवि, जेहलम, ये इनकी मेन ट्रिब्यूटरी है सिंधुज की। दिस फाइव रिवर मीट नियर द सिंधु नियर द मीथाकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है मीथाकोट जहाँ पे पांचों नदी का संगम होता है। द कम्बाइंड फ्लो ऑफ ऑल दिस फाइव रिवर अल्टीमेटली फ्लो द साउथवर्ड। और जब पांचों रिवर जब मिक्स हो जाती है तो साउथवर्ड डायरेक्शन में वो मूव होती है एंड फिर जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। दिस रिवर फ्लो एट द स्लोएस्ट स्पीड इन द प्लेन। प्लेन में आते ही उनकी स्पीड कम हो जाती है। अबाउट वन थर्ड ऑफ द बेसिन फॉल इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर। और उसका जो वन थर्ड पार्ट है वो बेसिन बन के माउंटेनियस रीजन जम्मू कश्मीर में ही रह जाता है। आगे की पढ़ाई पार्ट टू में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।